Hey guys, welcome back to the channel. Guys, आज हम लोग ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जो एक दशक में सबसे ज्यादा बार न्यूज में आ चुका है. एंड गाइज, यहाँ के लोगों को यहाँ की करेंसी के नाम से ही बुलाया जाता है. सो गाइज, अगर आप लोगों को ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. एंड साथ में ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज हमारी वीडियो शाम के 7 बजे डेली आ जाती है. सो गाइज, चलिए देखते हैं कौन सी है ये कंट्री, एंड आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, चलिए शुरू करते हैं. तो गाइज, ये कंट्री है अफगानिस्तान. तो चलिए आज हम लोग अफगानिस्तान के टॉप 10 फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं. फैक्ट नंबर 1, गाइज आप लोगों ने पोलो के बारे में सुना और देखा भी होगा, जिसमें प्लेयर्स घोड़े पर बैठकर बॉल को गोल पॉइंट तक ले जाते हैं. लेकिन बुशकाशी अफगानिस्तान में खेला जाने वाला एक खेल है जिसमें प्लेयर्स हॉर्स पर बैठकर एक डेड गोट को पकड़ने की कोशिश करते हैं. एंड गाइज, ये खेल वहां पर सदियों से खेला जा रहा है. वैसे गाइज, अगर ओरिजिन की बात करें तो इस खेल का ओरिजिन तुर्किस लोगों से हुआ था. फैक्ट नंबर 2, गाइज आजकल बिना इंटरनेट के कोई काम होता ही नहीं है. आपके पास भी इंटरनेट नहीं होगा तो आप मेरी वीडियोस नहीं देख पाओगे, मेरे पास इंटरनेट नहीं होगा तो मैं अपने वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊंगा. लेकिन गाइज, एक अमेजिंग बात यह है, एंड ये बहुत ही दुख की बात है, कि अफगानिस्तान में केवल 10% लोग ही इंटरनेट का यूज कर पाते हैं. बाकी लोग इसलिए नहीं यूज कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं है, उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एंड वहाँ पे इतना ज्यादा आतंकवाद है कि कोई कंपनी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहती है. फैक्ट नंबर 3, गाइज अफगानिस्तान के लोगों को अफगान कहा जाता है और यहाँ की करेंसी का नाम भी अफगान अफगानी है. एंड गाइज, इसीलिए इसमें अक्सर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. आप लोग भी कभी कंफ्यूज हुए थे क्या? अगर हुए होगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना. वैसे गाइज, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 1 रुपए में कितने अफगान अफगानी होते हैं. सो गाइज, यहाँ पे 1 रुपए में 1.16 अफगान होते हैं. फैक्ट नंबर 4, गाइज अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन 6 बार बदला जा चुका है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पे कई बार कब्जा किया जा चुका है, लेकिन कोई भी एम्पायर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है. इसी वजह से इसका कॉन्स्टिट्यूशन बार बार बदला जा चुका है. एंड गाइज, एक अमेजिंग बात यह है कि यहाँ की पार्लियामेंट को अफगानिस्तान ने नहीं बल्कि इंडिया ने अपने पैसों से बनाकर उनको गिफ्ट में दिया था. गाइज, इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है. फैक्ट नंबर 5, अफगानिस्तान की मोस्टली पॉपुलेशन शराब नहीं पीती है क्योंकि यहाँ के 99% लोग इस्लाम फेथ को फॉलो करते हैं. इसी वजह से ये लोग सुअर का मीट भी नहीं खाते हैं. अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे शराब एकदम से बैन ही है. गवर्नमेंट ने कई कंपनीज को लाइसेंस दिया हुआ है जो दूर से आए फॉरेनर्स, साथ साथ टूरिस्ट, एंड इसके साथ साथ जो बाहर के सोल्जर्स हैं उन सबको शराब प्रोवाइड कराती है. फैक्ट नंबर 6, गाइज अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी ड्रग्स पर ही निर्भर करती है. यहाँ पर अफीम की खेती बहुत ही बड़े पैमाने पर होती है. एंड गाइज, अफगानिस्तान दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा सप्लायर है. फैक्ट नंबर 7, गाइज लॉर्ड बुद्धा को कौन नहीं जानता है. अफगानिस्तान में उनकी पहली सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई थी, लेकिन तालिबान ने 2002 में इसे तोड़ डाला. एंड गाइस, फिलहाल इस टाइम पे अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में है, देखना होगा ये कब छूटता है. फैक्ट नंबर 8, गाइस आपने क्या कभी सोचा है कि अगर हम रोड पर दाएं ओर ड्राइव करें तो कैसा लगेगा? अब गाइस, लगे वो तो अलग बात है, लेकिन आपका चालान सबसे पहले कटेगा एंड आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए कभी ये ट्राई मत करना आप लोग. लेकिन गाइस, अफगानिस्तान के लोग सड़क के दाएं ओर ड्राइव करते हैं क्योंकि वहां के नियम के हिसाब से ये सही है, एंड इसी वजह से वहां की ड्राइवर सीट राइट साइड में ना होकर लेफ्ट साइड में है. फैक्ट नंबर 9, गाइज अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसका नाम कई बार बदला जा चुका है. इतिहास के माने तो अफगानिस्तान पहले एक हिंदू राष्ट्र था, उसके बाद बुद्ध राष्ट्र बना और अब वह एक इस्लाम देश है. इसके चलते इसके नामों में कई बार परिवर्तन किया गया है, जैसे अभी से अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है. लेकिन हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान को नया नेम दे दिया है जिसका नाम है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान. फैक्ट नंबर 10, गाइज शादी एक पवित्र बंधन माना जाता है. शादी के लिए हमें शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार होना जरूरी होता है. शादी के लिए सही उम्र 18 साल के बाद होती है, लेकिन वही अफगानिस्तान में इस्लामिक कानूनों की वजह से यहाँ सिर्फ 15 वर्ष की उम्र में ही शादी कर दी जाती है. सो गाइज, ये रिवाज सही है या नहीं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड आपको कौन सा फैक्ट नहीं पता था हमें वो भी बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में. सो गाइज, ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है. अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना. मिलते हैं कल शाम के 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद.